अगर आप ये मेरे स्टाइल में ये दही फुल्की की रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी भी रहेगी और आप झटपट तैयार भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है अफ्तार में, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद मेमून। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल अफ्तार के लिए दही फुल्की की रेसिपी लाया हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कप हम बेसन की बूंदी का लेंगे, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसको हम इस बाउल के अंदर डालेंगे। दो कप हम नीम गर्म पानी लेंगे, वो इसके अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको हम आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भगो के रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए बूंदी बिल्कुल हमारी नरम हो चुकी है। स्ट्रेनर की मदद से हम सारी बूंदी को छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा किलो दही लेंगे हम। दही गाढ़ा होना चाहिए ताकि हमारी दही फुल्की मज़ेदार सी बने और उसका अच्छा सा जायका आए। इसमें हम एक चम्मच चीनी की डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही को हम अच्छी तरह फेंट के हम साइड पर रखते हैं। दही फुल्की की हमने तमाम चीज़ों को रेडी कर लिया है। सर्विंग प्लेट लेंगे हम, इसके अंदर ये हम बूंदी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं कुछ वेजिटेबल लिए हैं। इसमें प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, टमाटर है, चाट मसाला है, आलू है और पापड़ी है। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। इसके बाद टमाटर, इसके बाद बॉयल किया हुआ आलू, इसी पापड़ी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, अभी इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए हम फेंटा हुआ दही हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी, यह ओके मेरे चैनल पे लाइफ स्टाइल अरशद मौजूद है। अब इसके मज़ेदार बनाने के लिए ये देखें ऊपर मैं इमली की चटनी डाल रहा हूँ। भी मसाला, पापड़ी डालेंगे। ये थी मेरी आसान सी दही फुल्की की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।